तो आज का टॉपिक है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर नंबर 1 है हमारा फर्स्ट ईयर वाले बैच के लिए। और चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सीटेट, केवीएस, एनबीएस हर जगह आता ही आता है। चाइल्डहुड साइकोलॉजी आपको बहुत से पेपरों में 40-50% हेल्प करती ही करती है, और कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा महत्व है हमारी अध्यापक जीवन में, आपकी टीचिंग लाइन में। ये बहुत ही आपको प्रभावित करता है, और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। हमें बच्चों के साथ डील आउट कैसे करना है, बच्चों को कैसे हमें हैंडल करना है, किस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने आ सकती हैं, इसमें अलग अलग तरह से हमें बताया गया है कि हमें उन सिचुएशन के साथ किस तरीके से डील आउट करना है। बेसिकली यूनिट 1 में हम बेसिकली पढ़ते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब, जो अलग अलग स्टेजेस होती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेंस, उसमें बच्चों की क्या क्या ग्रोथ होती है, उसमें बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यूनिट 1 में आपकी प्याजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कोहलबर्ग की थ्योरी है हमारी मॉरल डेवलपमेंट की, इरिक्सन की थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, और उनके फैक्टर्स हैं। ये तीन थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कॉग्निटिव थ्योरी, मॉरल थ्योरी और साइकोसोशल थ्योरी। फिर सेकेंड यूनिट में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। क्या हमें पता है हर बच्चा हमारी क्लास में अलग है, हर किसी की अलग पहचान है, वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है हमें। इसमें हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हैं गार्डनर की, इसमें हम रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो डिसेबिलिटीज होती हैं हमारी, जो स्पेशलिटीज होती हैं, डिसलेक्सिया, स्लो लर्निंग, गिफ्टेडनेस, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा थर्ड यूनिट में हमारी कुछ थ्योरीज आ जाती हैं, जिसमें हम इम्प्लिसिट नॉलेज और बिलीव्स के बारे में पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी है, क्लासिकल एंड ओपरेन थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है हमारी, टोल्समैन की थ्योरी आ जाती है, बर्नर्स की डिस्कवरी, लर्निंग डिस्कवरी थ्योरी है, लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी है, इन सब के बारे में। और फोर्थ यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिप्रीवेशन और डिप्राइव चाइल्ड जो होते हैं हमारे, मार्जिनल सेक्शन के जो चाइल्ड होते हैं या उन कैटेगरीज के चाइल्ड होते हैं जिनको हमने अभी तक समाज में एक समानता से नहीं देखा जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, पॉवर्टी के बारे में पढ़ा जाता है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा जाता है। इससे हमारे हर तरीके का परसेप्शन पढ़ा जाता है कि एज अ टीचर आपकी क्लास में एक वो बच्चा भी आ सकता है जो मार्जिनल सेक्शन का हो, और एज अ टीचर आपकी क्लास में वो बच्चा भी आ सकता है जो गिफ्टेड चाइल्ड हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडीज़ को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडीज़ को करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम आ जाते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। इसका सबसे पहला सवाल है, सोशल डेवलपमेंट का प्रोसेस कौन सी एज में आपका शुरू होता है और कौन सी एज तक ये रहता है? ये एडल्टहुड में शुरू होता है और टॉम मतलब मरण तक, या ऑप्शन बी अर्ली इन्फेंसी से शुरू होता है या और थ्रू आउट इसकी डेवलपमेंट होती रहती है थ्रू आउट लाइफ, या ऑप्शन सी चाइल्डहुड से शुरू होता है और एडल्टहुड तक रहता है, या ऑप्शन डी ईगोसेंट्रिक एज जब हमारी आती है वहाँ से शुरू होता है और ओल्ड एज हमारे वृद्ध एज तक वो रहता है। तो इसका है ऑप्शन बी, फ्रॉम अर्ली इन्फेंसी, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वहाँ से वो चीज़ शुरू होती है सोशल डेवलपमेंट। हम सोशली एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले वो फैमिली मेम्बर से बात करना शुरू करता है, फिर अपने सोसाइटी मेम्बर से, नेबरहुड से, फिर एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता है। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एडोलेसेंट स्टेज कि उम्र आपकी कौन सी है, मतलब कि एडोलेसेंट स्टेज को आप कौन सी उम्र से शुरुआत से कहते हैं, या 10 से 12 साल का जब बच्चा होता है तब, 21 से 40 साल, या ऑप्शन सी 11-12 से लेके 20 साल तक, या ऑप्शन डी 25 से लेके 50 तक। तो इसका है ऑप्शन सी, यानी कि 11-12 साल से शुरू होता है और 20 साल तक हम एडोलेसेंट रहते हैं, और 20 साल के बाद हम एडल्टहुड स्टेज में चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं सवाल नंबर तीसरा कि साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने बनाई थी। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि साइकोसोशल थ्योरी हमारी किसने डेवलप की थी, ऑप्शन ए इरिक्सन, ऑप्शन बी टोलमैन, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, या ऑप्शन डी गार्डनर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए इरिक्सन। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कि जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन कम्स अंडर विच स्टेज। ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें हमें बताया गया है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आइसोलेशन वर्सेस आपका इंटीग्रेशन, इन सब की स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये सारी स्टेजेस। इनमें से ही एक स्टेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्टेज आपकी कौन सी उम्र में आती है। ऑप्शन ए अर्ली एडल्टहुड, ऑप्शन बी मेच्योर एडल्टहुड, या ऑप्शन सी चाइल्डहुड, या ऑप्शन डी ओल्ड एज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेच्योर एडल्टहुड में हमारी जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन
आ जाते हैं, या मेच्योर एडल्टहुड होता है आपका 20 से 25 साल, उसमें आपके अंदर या तो प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट होगी, आप कुछ जनरेट करोगे, आप वर्क करोगे, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ प्रोड्यूस करोगे, या स्टैग्नेशन, या फिर आप थम जाओगे कि नहीं अब बस मुझे नहीं करना, आई एम नॉट प्रोडक्टिव पर्सन, आई डोंट हैव अ कैलिबर, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी टू बिल्ड माई प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की फॉर्मल ऑपरेशन थ्योरी कम्स अंडर विच स्टेज। आपकी जो फॉर्मल ऑपरेशन थ्योरी है ये आपकी प्याजे की थ्योरी में आता है, जिसमें सेंसेस, फिर ऑपरेशनल थ्योरी, फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशन थ्योरी आती है। ये कौन सी उम्र में आती है? जब बच्चा एक तरीके से सक्षम हो जाता है, जो भी आप उसे पढ़ा रहे हो वो परसेप्शन अपने माइंड में लेने के लिए, उसको परसेप्शन बनाने के लिए और फिर उसको रिफ्लेक्ट आउट करने के लिए, कौन सी उम्र में वो इतना सक्षम हो जाता है? ऑप्शन ए 11 से 15 साल, ऑप्शन बी 20 से 25 साल, ऑप्शन सी 7 से 11 साल, या ऑप्शन डी 5 से 10 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 11 से 15 साल की उम्र में। फिर ऐसा ही सवाल है कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कौन सी एज में होता है हमारा? फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, फ्रॉम एडल्टहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड, या फ्रॉम 1 to 2, 1 to 3 ईयर। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ अपनी मम्मी पर ट्रस्ट करता है, बाकी के अगर उसे गोद में भी लेते हैं या उसके पास जाते हैं तो वो स्क्रीम करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। तो वो उस टाइम पे पहचान रहा होता है कि उसके अपने कौन है और उसको किन लोगों से दूरी बनाए रखने की, कौन उसके अपने नहीं है बेसिकली। तो उसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है उस एज में अपनी मम्मी के ऊपर, तो उसमें है फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। फिर ऑप्शन नंबर 7 है आपका, What does IQ means and who has invented it? IQ level हम निकालते हैं ना, उसका मतलब क्या है, IQ की फुल फॉर्म क्या है और ये किसने इन्वेंट की थी? ऑप्शन ए है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, स्किनर ने। ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, विलियम ने। ऑप्शन सी है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर ने, या इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, विलियम जॉनसन ने। तो आप देखो, दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट ही हो रहे हैं कि स्किनर का ये थ्योरी नहीं है, स्किनर की ऑपरेंड एंड कंडीशनिंग थ्योरी है और आपकी हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो ऑप्शन बी जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वो आपका विलियम स्टर्न ने इन्वेंट किया था, जिसे हम मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड निकालते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ माइंड, ऑप्शन सी वर्किंग मेमोरी, या मैनिफेस्ट इंटरेस्ट थ्योरी। तो अगर आप देखो इंटरेस्ट में, तो आपकी जो ऑप्शन डी है मैनिफेस्ट इंटरेस्ट थ्योरी, दिस कम्स अंडर दी आपकी इंटरेस्ट थ्योरी। देन क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ जाता है कि आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में कौन कौन से एप्टीट्यूड इंक्लूड होते हैं? म्यूजिकल एप्टीट्यूड, इंजन एप्टीट्यूड, नेविगेशन एप्टीट्यूड, या स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड। तो देखते ही पता चल रहा है आर्टिस्टिक मतलब म्यूजिकल एप्टीट्यूड, म्यूजिकल एप्टीट्यूड में आपका आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड अप्लाई होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 10 आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्टीट्यूड टेस्ट। आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं इनमें से वो एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा नहीं है? जी मैट, डैट, मैट, या साइंटिफिक एप्टीट्यूड। तो अगर आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जी मैट का पेपर आप देते हो, डैट का पेपर आप देते हो, मैट का पेपर आप देते हो, लेकिन साइंटिफिक एप्टीट्यूड का कोई एग्जाम नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि साइंटिफिक एप्टीट्यूड। फिर आ जाती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी डिराइव्ड बाय हूम। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने बनाई थी? ऑप्शन ए डरकम, ऑप्शन बी हॉवर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी आर के जॉनसन, या ऑप्शन डी अल्पोट। तो इसका आंसर है हॉवर्ड गार्डनर की हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आएगा बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है हॉवर्ड गार्डनर। देन क्वेश्चन नंबर 12, ADHD रेफर्स टू व्हाट? इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है, एक्टिव डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर डिजीज, या एक्टिवली हाइपर डिसऑर्डर। तो इसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन बी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि उस बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है वो किसी भी एक चीज़ पे फोकसली ज़्यादा देर तक नहीं लग पाता है, वो हाइपर एक्टिव होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी उसका मन विचलित हो जाता है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 कि थ्योरी ऑफ लर्निंग हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटेड ऑन विच एनिमल। आपकी जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, जो टोलमेंस की थ्योरी है जिसमें वो लर्न करते हैं कि किस तरीके से वो बॉक्सेस को रख के खुद अपने केले ले लेता है, और वो कौन से एनिमल पे एक्सपेरिमेंट की गई है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है और ये किसी के भी ऊपर आपके सवाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए चिंपैंजी, ऑप्शन बी फिश,
ऑप्शन सी डॉग या ऑप्शन डी रैट। अगर आप देखो फिश के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, फिश डॉग और रैट के ऊपर हमारा स्किनर और पावलो की ऑपरेट एंड कंडीशनल थ्योरी है, तो हमारा बचता है ऑप्शन ए यानी चिंपैंजी। चिंपैंजी के ऊपर वो किया गया है कि किस तरीके से चिंपैंजी बॉक्सेस को रख के उनके ऊपर चढ़ के वो केले लेता है खाने के लिए। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट आर दी पार्ट ऑफ विच ऑफ द थ्योरी। किस थ्योरी के ये तीनों पार्ट है, किस थ्योरी में हम ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं? तो अगर आप देखो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट नहीं है, थ्योरी ऑफ लर्निंग में ये है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के पार्ट नहीं है, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग में भी ये नहीं है। तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन बी यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 कि लैंग्वेज में कौन सी लर्निंग इंक्लूड होती है। ऑप्शन ए वर्बल लर्निंग बोलने से, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या ऑप्शन डी एप्टीट्यूड एटीट्यूड लर्निंग। तो आपका आंसर इसमें आता है वर्बल लर्निंग, यानी कि बोल के हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 16 हमारा, इन विच मेथड ऑफ गैदरिंग टेक्स्ट अबाउट द चिल्ड्रन वी यूज ऑब्जर्वेशन। कौन से मेथड में हम बच्चों का ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उनका टेक्स्चुअल रिकॉर्ड रखते हैं? नरेटिव मेथड, नेचुरलिस्टिक मेथड, इंटरव्यू मेथड या एनिकोडल मेथड। नरेटिव मेथड होता है जो आप कुछ बच्चे को बोलते हो, आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दी, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है, क्या वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। नेचुरलिस्टिक होता है कि आप सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करते हो कि बच्चा आपकी एब्सेंस में या आपके प्रेजेंस में क्या क्या कर रहा है, उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है। या इंटरव्यू मेथड, क्या आप क्वेश्चन आंसर करते हो बच्चे से और वो आपको किस तरीके के जवाब देता है, किस तरीके से आपको बिहेव करता है। या एनिकोडल रिकॉर्ड होते हैं जो हमारे प्रीवियसली रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बेसिस पे। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी यानी कि नेचुरलिस्टिक मेथड, कि नेचुरली वो बच्चा क्या कर रहा है हम वो मेथड्स को देखते हैं। फिर आपके आ जाते हैं सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है आपका कि आपकी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। इसमें स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज से हमारा मतलब होता है कि जिसमें हम स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं, हमारा कुछ सोचा समझा नहीं होता है। ऑप्शन ए प्ले, जो हम कुछ खेल रहे हों, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी गेम्स या ऑप्शन डी ड्रामा। तो अब देखो जब आप खेल रहे होते हो ना तो वो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि आपने कब क्या करना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो इसका है ऑप्शन ए यानी कि प्ले। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका, जिसमें है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज यूज इन विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। कौन सी टाइप में लिसनिंग स्पीकिंग आपके एक तरीके की कह सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज सुनने की और बोलने के लिए, रिटन लैंग्वेज, अर्थमेटिक लैंग्वेज या रीजनिंग। तो देखते ही पता चल रहा है रिटन लैंग्वेज में आप बोल नहीं सकते हो, अर्थमेटिक लैंग्वेज में आप बोल नहीं सकते हो ना सुन सकते हो, रीजनिंग में भी आप सिर्फ रीज़न लिख सकते हो लेकिन आप बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन बोलते टाइम आप बोल भी रहे हो और सामने वाला शख्स आपका सुन भी रहा है, तो आपका जवाब आ जाता है स्पोकन लैंग्वेज। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर इज साइकोसोशल फैक्टर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका साइकोसोशल फैक्टर किस चीज़ को इफेक्ट करता है? आपका इन्वायरमेंट आपके साइकोसोशल फैक्टर को इफेक्ट करता है, या इमोशनल फैक्टर करता है, या आपकी फिजिक, या आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं वो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इमोशनल फैक्टर्स। आपके इमोशनल फैक्टर्स आपके साइकोसोशल फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। फिर आ जाता है सवाल नंबर 20, विच फैक्टर इज स्कॉलस्टिक फैक्टर इन एप्टीट्यूड। आपके जो एप्टीट्यूड्स होते हैं उसमें स्कॉलस्टिकली यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड फैक्टर आपका कौन सा एप्टीट्यूड माना जाता है? लीगल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड, ऑप्शन सी कमर्शियल एप्टीट्यूड या ऑप्शन डी डिबेटिंग एप्टीट्यूड। तो आप देखो कॉमर्स आप पढ़ते हो तो दैट इज अ कमर्शियल एप्टीट्यूड। देखते ही पता चल रहा है कि इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कमर्शियल एप्टीट्यूड। फिर सवाल नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट की इस एज में कौन सा फैक्टर है इनमें से जो कि कंसर्न दिखाता है? ऑप्शन ए फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन बी सेपरेशन, ऑप्शन सी कास्टिज्म, ऑप्शन डी क्लासिज्म। तो अगर आप देखो ऑप्शन सी और डी तो है ही नहीं, उससे एडोलसेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली प्लानिंग आपकी 20-25 के बाद ही आती है। ऑप्शन बी जो है सेपरेशन, दैट इज़ फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली और सेपरेशन विद इन द फैमिली कैन इफेक्ट है।
एडोलेसेंट एज आपकी टीन एज होती है, अगर टीन एज में आप कुछ ऐसा सेपरेशन देख लेते हैं तो वो आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर आ जाता है सवाल नंबर 22 कि शेड्यूल ट्राइब्स कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कौन सा ऐसा सेक्शन हमारी सोसाइटी का जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब आते हैं? ऑप्शन ए डिसएडवांटेज ग्रुप, ऑप्शन बी माल नरिश्ड ग्रुप, ऑप्शन सी मार्जिनलाइज ग्रुप या ऑप्शन डी माइनॉरिटी ग्रुप। तो ये हमारा आता है, नाम को देखते ही पता चल रहा है, डिसएडवांटेज ग्रुप। ये वो ग्रुप है जिन्हें किसी टाइम पे हमने वो एडवांटेजेस नहीं दी थी समाज में जो एडवांटेजेस हमें देनी चाहिए थी, इसलिए ये ऑप्शन ए आएगा, इसका आंसर डिसएडवांटेज ग्रुप में आता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 और आपका सवाल है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि वाल्मीकि आवास योजना की WVAAY की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है, हमारा क्वेश्चन इसमें मिस आउट हो गया है वो हम आपको बता देते हैं। VAAY जो है इसमें इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो उसकी है वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेरेंटिंग, कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि एक टाइप ऑफ पेरेंटिंग कहलाया जाता है। तो हमें पता है चार टाइप की पेरेंटिंग है हमारी, एक सेपरेशन वाली है इसमें एक जिसमें पेरेंट बिल्कुल सेपरेटेड रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक प्रिमिसिव है जिसमें कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एक अनइन्वॉल्व होते हैं जिनको कुछ पता नहीं चलता, और एक होते हैं जो मेंटेन करते चलते हैं बैलेंस। तो अगर आप इसमें देखो ऑप्शन ए प्रमिसिव, ऑप्शन बी प्रमिसेबल, ऑप्शन सी मोटिवेटेड या ऑप्शन डी एक्सप्लाइसिट, तो इसमें आ जाते हैं ऑप्शन ए जो है हमारा प्रमिसिव जो पेरेंटिंग है जिसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं उनकी लाइफ को, तो दैट इज योर प्रमिसिव। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन की 86 अमेंडमेंट किसके तहत की गई थी और इसमें क्या हमारे अमेंडमेंट में क्या हुआ था। ऑप्शन ए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, ऑप्शन बी रेजिडेंशियल स्कूलिंग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या ऑप्शन डी फॉर द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज मतलब जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली एजुकेशन लेवल पे। तो 86 अमेंडमेंट जो हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल किया था, जो हमारे 14 साल तक उम्र तक सारे ही बच्चों को, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो हमारी सोसाइटी में, किसी भी क्लास का हो किसी भी कास्ट का हो, सारे ही बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का पूरा पूरा अधिकार है। फिर हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारे बस ख़त्म। फिर आई होप आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, और हम 100% श्योरिटी तो नहीं देते हैं लेकिन काफ़ी हद तक इनमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। एंड आई होप आपने हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया होगा दूसरे ग्रुप्स में भी। आप भी अपना टाइम निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ वजह होगी उसके पीछे, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ बना पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, और हम